नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सिस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपके पास भी एक्सिस बैंक में अकाउंट है और आप चाहते हो अपने इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना है तो कैसे करना है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग कम्प्लीट देखते हैं तभी जाकर आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल पर जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है एक्सिस नेट बैंकिंग, यही आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्सिस बैंक पर्सनल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट एनआरआई बैंकिंग, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास एक टॉपअप आएगा, इसको क्या करना है, क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है सबसे कोने में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आने चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे दूंगा, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है कस्टमर आईडी, अगर आपके पास कस्टमर आईडी है तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास अपने बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाले में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास एक न्यू ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है, अगर आपके इंडिया के मोबाइल नंबर है तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके बैंक अकाउंट में इंडिया के बाहर के मोबाइल नंबर ऐड है तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मेरे पास यहाँ पर इंडिया के मोबाइल नंबर है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, प्रोसीड में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्ट्रेशन, अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने डेबिट कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर होगा वही वाले नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्सपायर डेट, तो आपको क्या करना है, अपने डेबिट कार्ड के एक्सपायर डेट यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एटीएम पिन, पैसे विड्रॉल करने के टाइम में जो भी आप एटीएम पर जो 4 डिजिट पिन फिल करते हो वही 4 डिजिट पिन आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो छोटा सा बॉक्स, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेट न्यू पिन, तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से आपकी मन पसंद के आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है इसी तरीके से आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है री एंटर पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड फिल किया सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर भी फिल कर देना है। अब पासवर्ड फिल करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट ओटीपी, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया, आपको क्या करना है यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर दिखा दे रहा है रिसेंट ओटीपी, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, दोबारा आपके पास ओटीपी आ जाएगा। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैंने यहाँ पर पहले ओटीपी फिल कर लेता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट दिखाई दे रहा है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 1-2 सेकंड वेट करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है गो टू लॉगिन पेज, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी या कस्टमर आईडी है तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेबिट कार्ड नंबर, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपके पास एम पिन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एम पिन दिखाई दे रहा है, एम पिन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर सारे डिटेल्स फिल करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर डेबिट कार्ड है, मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू लॉगिन करके मैंने यहाँ पर दिखाई देता हूँ। फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता ही है, तो मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट अपने डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है, अपने एटीएम पिन यहाँ पर फिल करना है। अब एटीएम पिन फिल करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट ओटीपी, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिसेंट ओटीपी, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, दोबारा आपके पास यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैंने यहाँ पर पहले ओटीपी फिल कर लेता हूँ। अब ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉगिन, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर 1-2 सेकंड टाइम लगेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर 3 सवाल के जवाब यहाँ पर देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सवाल तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चेंज क्वेश्चन, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले सकते हो। तो मैंने पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, यहाँ पर मैंने आंसर पहले दे देता हूँ। सारे कुछ फिल करने के बाद क्या करें, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, आपको जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोसीड, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 1-2 सेकंड टाइम लगता है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, पर हमारे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक बार डिटेल्स चेक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया, आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट दिखाई दे रहा है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको एक दो सेकंड वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो चुका है। आपके पास यहाँ पर इसी तरीके से 4-5 नोटिफिकेशन दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है, सारे नोटिफिकेशन यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हो, RTGS, NFT, फंड ट्रांसफर जो भी आप करने चाहते हो, बेनिफिशियरी ऐड करना है, चेकबुक अप्लाई करना है, ATM कार्ड अप्लाई करना है, घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। साथ में ATM कार्ड के जो पिन है, मोबाइल नंबर चेंज, सारे काम आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सारे वीडियो बना रखा हूँ, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो इस वाले वीडियो के नीचे सारे वीडियो का लिंक दे रखा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कैसे आपको यहाँ पर ATM पिन जेनरेट करना है। ऑल वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा हूं, अगर आप चेकआउट करने चाहते हो चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले।